अभी हम खड़े हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास, जहां की स्थिति बेहद शांत है। नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। कांग्रेस का प्रदेश का कांग्रेस कार्यालय बेहद शांत बना हुआ है। लेकिन क्या कांग्रेस की स्थिति भी ऐसे ही है? क्या कमलनाथ सरकार शांत बैठी नजर आती है? बताएंगे वो पूरा सच जो आप जानना चाहते हैं। आपको वो क्रोनोलॉजी से भी अवगत करवाएंगे जिसे आप समझना चाहते हैं। कांग्रेस की नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी। सिंधिया का अगर जाने को अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही सवाल सिंधिया लगातार उठा रहे थे कि उनकी लगातार उपेक्षा पार्टी कर रही थी। तो क्या जो ताज़ा सूरत हाल प्रदेश का है, क्या ऐसे में कमलनाथ की सरकार केंद्र प्रदेश में अपनी सरकार बचा पाएगी? ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। बहरहाल हमारे साथ कुछ कांग्रेस समर्थक भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष महोदय जी मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस आगे की क्या रणनीति अपनाएगी। मैं जिला असंगठित कामगार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भोपाल विनोद मैना छोटू भैया हूँ, और हमारे को पूरे 122 विधायकों का समर्थन है, और 17 तारीख को आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी जो पिक्चर और जनता का आप जो माहौल देख रहे हैं, इससे अलग हटके एक माहौल होगा। 17 को हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 5 साल ही नहीं बल्कि 10 साल भी प्रदेश में रहेगी। बिल्कुल 100% सच बोला है उन्होंने, हमारी सरकार 10 साल चलेगी। ये जनता की सरकार है, इसको भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने हथकंडे अपना ले, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर ले, ये चलेगा नहीं। ये जनता की सरकार है, जनता की सरकार चलेगी, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। सिंधिया जी के भाजपा में चले जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस एक देश का बहुत बड़ा दल है। ऐसे कई लोग आते हैं और कई चले जाते हैं, उनके पिताजी भी गए थे एक टाइम में, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया वो भी गए थे, फिर वापिस आ गए थे। तो कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। उनकी दादी भी गई थी उनके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। अब कांग्रेस बहुत बहुमत से आई है, अब तो वही कह रहा है ना, ये डर इनको है, इनको विधायक के साथ घूम रहा है ये, हमारा कोई बात नहीं है। वो सब वही बीजेपी लोग बड़े हुए, सब वो लेके आ रहा है, वो छोड़ रहा है क्यों? विधायकों को बंधक बना के रखा है, छिपा के रखा है, इनको डर नहीं है तो किस बात का डर नहीं, तो सामने आओ, कहे के लिए छुपा रहे हो, किसी को बंधक बना के रख रहे हो, संस्पर्श में रख रहे हो, लोगों से मिलने नहीं दे रहे हो, घर के लोग बातचीत करने के तैयार हैं उनसे बातचीत नहीं करने दे रहे हो, जो घर के बड़े मुश्किल से लोग बातचीत करते हैं पूरी रिकॉर्डिंग करवा रहे हो। अब डर उनको है, हमें थोड़ी डर है, कांग्रेस को कोई डर नहीं है, डर उनको है। एक एक विधायक के पीछे तुम गार्ड लगा के रखे हो, सीआरपीएफ लगा के रखे हो, हैं बीजेपी के कितने कार्यकर्ता वहाँ एयरपोर्ट पर तैनात हैं, किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं। ये राजनीति ठीक है नहीं है, गलत। बीजेपी लगातार ये फ्लोर टेस्ट की बात कह रही है, बिल्कुल स्वीकार है ना। 17 तारीख को फ्लोर टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना। इससे पहले भी दो बार, और इससे पहले भी 4 बार फ्लोर टेस्ट हुए हैं, चारों बार कांग्रेस आई है। एक बार और फ्लोर टेस्ट करके इनको समझा दिया जाएगा कि आप जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। भाजपा लगातार ये कह रही है कि वो रामराज की स्थापना प्रदेश में करेंगे। ये देश सदियों से विभिन्न प्रकार का है, विभिन्न जातियों का, विभिन्न भाषाओं का है। इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। ये देश इन सभी का है, एक अकेले भाजपा और एक अकेले हिंदुत्व का नहीं है, बस ये मैं कहना चाहूँगा। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो शायद महाराज का तमगा उनको मिला था, और जब वो भाजपा में चले गए तो लोग उन्हें या यूं कहें कि शिवराज सिंह चौहान ही खुद उन्हें विभीषण कह के संबोधित कर रहे हैं, इस पे आप लोग क्या कहते हैं? शिवराज जी ने जो किया है वो तो खैर सत्य किया है, विभीषण का रूप जो उनको दर्शाया है, और लेकिन कांग्रेस में जब सिंधिया जी थे तो वो महाराजा का दर्जा था, अब जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो चौकीदार के हो गए। आज वो हमारे चौकीदार हैं सिंधिया जी, और हम उनसे मतलब
आज वो हमारे चौकीदार हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी में चौकीदार है, देश के चौकीदार हो गए वो। इतिहास में दौलत खानदान है, इतिहास में दौलत खानदान है, कोई बात थोड़ी है, इतिहास में लिखा हुआ है। उनके पलदारा ने किए, दाई ने किए, बाप ने किया, इनने किया, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं तो सवाल ये उठता है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब वो गद्दार नहीं थे, जब भाजपा में चले गए तो वो गद्दार हो गए। नहीं पहले भी गद्दार थे, तो फिर भाजपा, फिर कांग्रेस उनको अपने साथ क्यों रखे? आगे साथ में आ गए थे, कोई भी आए, पार्टी हमारी कोई भी आ सकता है, इसमें सुधारने का मौका सब देते हैं कांग्रेस में, ने बताया ना बड़ा दल। भाजपा, भाजपा भी तो यही कहेगी ना कि मैं भी सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं भाजपा ने तो कल कह दिया ना विभीषण, भाजपा ने तो कल ही कह दिया, ज्यादा दूर का समय नहीं दिया, भाजपा ने तो कल ही कह दिया विभीषण हमारे पास आ गया है। खैर आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? आगे की रणनीति होगी 17 तारीख को फ्लैश टेस्ट होगा, कमलनाथ जी सरकार फिर से बहुमत साबित करेंगे और 10 साल चलाएंगे सरकार। और कुछ कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी अब, वो 20 साल रहेगी अब, तो 20 साल बिल्कुल 20 साल रहेगी, कोई नुकता उसको, कमलनाथ जिंदाबाद। या कमलनाथ सरकार ये दावा करती है कि हम फिर से फ्लोर टेस्ट कराएंगे और हम पास हो जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें तो सिंधिया के साथ जो 22 विधायक हैं वो उनके साथ हैं, फिर आप बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटाएंगे? सिंधिया के साथ जो 22 विधायक हैं, इसकी कोई 22 जो विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो कर रखी है 22 विधायकों की, वो 17 तारीख को फ्लोर टेस्ट के दिन उनको समझ में आ जाएगा कि हम चौकीदारी सही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। पास कर जाएगी, पास करेगी 100% दस साल चलाएगी कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 10 साल चलाएंगे और 10 साल से आगे भी चलाएंगे, जितनी वर्ष की उम्र भी नहीं होगी, तो मैं कह रहा हूँ कमलनाथ जी 10 साल चलाएंगे कांग्रेस की सरकार। और ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि जो हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं कमलनाथ जी, जो केंद्र का भी अनुभव रखते हैं, राज्य का भी अनुभव रखते हैं, और फ्लोर टेस्ट में निश्चित 100% कांग्रेस सरकार अपना पूर्ण बहुमत साबित करके बताएगी। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, जब सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तो वो महाराज थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो चौकीदार बन गए हैं। यहाँ के कार्यकर्ता, ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 17 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें कांग्रेस अपना बहुमत साबित कर देगी और कांग्रेस की सरकार यहाँ 10 साल ही नहीं बल्कि अगले 20 साल तक कमलनाथ की सरकार रहेगी। द लोकनीति के लिए सोनू कुमार की ये विशेष रिपोर्ट।